खुलासा कर दिया, क्या वजह रही महिला और उसके तीन बच्चों की हत्या के पीछे? एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना कोतवाली में हुई थी, जिसमें महिला रेखा की और उसके तीन बच्चों की, वंश, पारस और माही की हत्या कर दी गई थी गला रेत कर। फाइनली इसमें पुलिस ने ब्रेक थ्रू हासिल किया है और SSP आगरा, उनकी टीम, CO कोतवाली और इंस्पेक्टर कोतवाली और उनकी टीम ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। लगातार पिछले 3-4 दिनों से लगभग 15-20 लाइनें थी हमारे पास, ब्लाइंड केस था। सारी लाइंस में एलिमिनेशन थ्योरी के आधार पर ये लोग काम करते रहे और CO इंस्पेक्टर कोतवाली दोनों की मैं तारीफ करूँगा कि उन्होंने नॉन स्टॉप इस पर काम किया है। बीइंग लेडी उसने बहुत मेहनत की है और इस केस का फाइनली खुलासा हुआ, जिसमें संतोष राठौर, अंशुल राठौर और वीरू वाल्मीकि, ये तीन लोगों का इन्वॉल्वमेंट पाया गया है। मेन मोटिव, संतोष राठौर रेखा का कज़िन ब्रदर भी है और बचपन से वो राखी भी बंधवाता आ रहा है, लेकिन उसने इससे लोन लिए हुए थे कुछ, इसको 2-3 लाख रुपए कैश वापस करने थे, उससे एक्टिवा गाड़ी ली थी जिसके पैसे वापस करने थे, प्लस ब्याज इंटरेस्ट पे उसने लोन लिया था, वो इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा था और इसके साथ ही उसके घर पे इसको काफ़ी ज्वेलरी और कैश होने की संभावना थी। जो डिजीज़ लेडी है, उसके एक्स हस्बैंड से उसको कुछ डाइवोर्स केस में पैसे मिलने वाले थे, मिले थे, उसको लेकर ये घटना इन्होंने प्लान की। संतोष ने फिर अंशुल को अपने साथ लिया और फिर इसको लिया, वीरू को लिया, तीनों एक्टिवा में, जो लेडी की एक्टिवा थी उसी में गए, कहीं दूर एक्टिवा धुलियागंज में खड़ी थी, अंदर घुसे और ये नशे की अपने साथ गोलियां भी लेके गए थे, वहाँ पर परिवार को ड्रग किया और दूध में और उसमें दवाइयाँ उनको खिलाई गई बच्चों को भी, जिससे वो रेजिस्टेंस करने की स्थिति पर ना हो। फिर घटनाक्रम के बीच में 3-3.5 घंटा लगभग उनके यहाँ रहे, उसी बीच में इन्होंने महिला को पहले हत्या की, फिर एक एक करके तीनों बच्चों को मारा, चूँकि पहचान लिए जाने का भय था, बच्चे बचपन से पहचानते थे इसको। और इसके बाद पूरे घर की तलाशी ली उन्होंने, जो भी ज्वेलरी और कैश ले जा सकते थे जो वहाँ वो गया। बदमाशों के बताने के हिसाब से 5 जोड़ी पायल, 2700 रुपये, लैपटॉप, टैबलेट और मोबाइल फ़ोन गया है, कुछ अंगूठी वगैरह गई है और लेडी की एक्टिवा थी वो इन्हीं के पास थी। फिलहाल इस घटना का खुलासा इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस और डिजिटल सर्वेलेंस के माध्यम से और CCTV फुटेजेस की मदद से फाइनली किया गया। फिलहाल इसमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, 1 अभियुक्त अभी शेष है, अंशुल राठौर, और इस खुलासा करने के लिए बहुत ही जल्दी और सही तरीके से इसका खुलासा करने के लिए मैं 25,000 रुपये का इनाम भी टीम को देता हूँ। बदमाशों की बात करें तो कोई इनका पूर्व इतिहास रहा हो सर? वो तो मैंने बताया पूरी बात, पूरा तो बताया सर। अरे ये घटना वाले दिन सर कब उनके घर में घुसे, किस तरीके से पूरी प्लानिंग इन्होंने बनाई, ये क्या पूरा बताया, घटनाक्रम कैसे किया इन लोगों ने? घटना में जैसे मैंने बताया कि इनको ये लगा कि अकेले के बस में ये पॉसिबल नहीं है, तो इसने तीन लोगों को अपने साथ लिया, लगभग 3.5-4 घंटा रहे, 12:30 के आसपास ये लोग गए, 4, 4:30, 4:15 के आसपास ये लोग बाहर निकले, तो काफ़ी समय ये अंदर रहे और एक एक करके इन्होंने कैंची और चाकू के प्रयोग से गला रेता है महिला और बच्चों को।